हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडलस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करना है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन मॉडल्स ऑफ टू एक्स प्लस वन हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी मॉडल्स ऑफ टू एक्स प्लस वन विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव फैक्टर आएगा इफ दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड दिस फैक्टर इज नेगेटिव इफ

माइनस टू एक्स माइनस वन ओके अब हमारे पास एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई तो इन दोनों लाइंस को हम ड्रा करेंगे अब ओके okay? अब देखिए जैसे हमारे पास दो लाइंस होगी जैसे कोई भी लाइन है पहले तो उसको प्लॉट कैसे करती हैं उसके दो पॉइंट्स निकाल लेंगे उनको ज्वाइन कर लेंगे ओके okay? अदरवाइज अगर इसमें जैसे हमारे पास लो फॉर्म है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है ये वेयर एम इज स्लोप एंड C इज y इंटरसेप्ट हम अब इसकी हेल्प से हम इसको ग्राफ को ड्रा करेंगे क्योंकि अगर हम पॉइंट्स निकालेंगे तो इससे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा ओके okay? जैसे फर्स्ट लाइन है हमारी y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इसमें स्लोप क्या है टू एंड y इंटरसेप्ट इज वन ओके पहले हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे y इंटरसेप्ट इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन y एक्स ओके दिस इज जीरो ओके एंड देन y इंटरसेप्ट इज वन वन है यहाँ आ गया हमारे पास वाई इंटरसेप्ट ओके देन इसकी स्लोप क्या है टू स्लोप रेशो क्या है स्लोप की टू अपॉन वन तो इसको हम रेशो के फॉर्म में लिख लेंगे वेयर टू इज राइज एंड वन इज रन राइज एंड रन का मीनिंग क्या है जैसे टू है टू राइज राइज मीन्स ऊपर की तरफ ओके okay? तो हमारे पास वन इंटरसेप्ट ये आ गया तो इस वन के ऊपर से दो स्टेप और लेंगे हम जैसे टू राइज है तो टू स्टेप्स और लेंगे जैसे वन इज वन टू तो ये आ गया हमारे पास यहां देन रन रन मीन्स वन स्टेप आगे चलना है हमने इधर की तरफ राइट right की तरफ ओके okay? तो वन स्टेप इज दिस तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया और एक पॉइंट इज वाई इंटरसेप्ट तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे ओके okay? इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया तो ये हमारी एक लाइन बन गई y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन ना नेक्स्ट लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वन अब इसमें y इंटरसेप्ट क्या है माइनस वन तो माइनस वन कहाँ हो गया दिस वन ओके एंड देन माइनस टू स्लोप क्या है यहाँ माइनस टू क्लियर स्टूडेंट्स अपॉन वन तो यहाँ क्या होगा देखिए नेगेटिव हो गया टू तो मीन्स राइज की बजाय यहां नीचे की तरफ जाएंगे अब हम टू जैसे वन यहां आ गया माइनस वन अब नीचे की तरफ जाएंगे वन स्टेप टू स्टेप दिस वन ओके ये आ गया यहाँ माइनस थ्री के ऊपर ये आएगा और देन हमने रन किधर की तरफ करना है वन स्टेप दिस इज रन ये रन हो जाएगा अब ये राइज नहीं करना राइज नेगेटिवली करना है हमने नीचे की तरफ ओके okay? तो वन स्टेप इधर की राइट की तरफ जाएंगे अब वन स्टेप इज देयर यहाँ आ जाएगा क्लियर स्टूडेंट्स अब एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया अदरवाइज और भी कर सकते हैं हम जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं देखिए टू अपॉन माइनस वन भी ले सकते हैं इसको मीन्स टू स्टेप्स राइस एंड वन स्टेप रन रन कैसे होगा ये अब लेफ्ट की तरफ क्योंकि नेगेटिव हो गया तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा तो ये बन गया हमारे पास देखिए टू आ गया पहले तो वन वन टू ये टू स्टेप हमने ऊपर ले लिया अब और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टू है अगर नेगेटिव टू होगा तो नीचे की तरफ जाएंगे टू स्टेप अगर टू पॉजिटिव हुआ तो ऊपर की तरफ जाएंगे टू स्टेप्स ओके नेक्स्ट माइनस वन रन नेक्स्ट लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे अब हम यहाँ ओके देखिए अब ये बिल्कुल एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट्स तो इस ऐसे भी कर सकती हैं और ऐसे भी कर सकते हैं दोनों की तरह ठीक है ये क्वेश्चन ओके अब इसकी लाइन को हम ड्रा कर देंगे और इसकी लाइन हमेशा हमने अबव एक्स एक्सिस ही बनानी है जैसे ये यह यहाँ ही बन जाएगी अब इसको आगे नहीं बनाएंगे ये इसका ग्राफ बन गया जिसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा प्लॉटेड होगा एक्स एक्सिस, ओके और सेकेंड प्रॉपर्टीज इसकी हमेशा जो शेप होगी दिस विल बी इन वी शेप ओके इसकी हमेशा वी शेप ही होगी क्लियर स्टूडेंट्स नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है पहले तो लेट एज्यूम करेंगे इसको वाई इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज मॉडल्स ऑफ थ्री अपॉन टू एक्स माइनस टू क्लियर देन मॉडल फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होगी वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव थ्री अपॉन टू एक्स माइनस टू इफ दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड दिस फैक्टर इज नेगेटिव If this factor is less than zero, clear students. इसके according हमारे पास फिर अगेन दो lines आ गई One is y इज इक्वल टू थ्री x minus टू and another line is negative of थ्री upon टू x then minus minus plus टू ये बन गई हमारे पास दो लाइन्स अब इनको प्लॉट करेंगे पहले फर्स्ट लाइन है जो इसका y इंटरसेप्ट कितना है माइनस टू ओके माइनस टू कहाँ होगा वन दिस इज माइनस वन माइनस टू तो ये बन गया हमारे पास माइनस टू एंड देन इसकी जो स्लोप है स्लोप क्या है थ्री अपॉन टू मीन्स थ्री अपॉन टू थ्री मीन्स राइस राइज करना है हमने थ्री स्टेप्स देन अगेन टू स्टेप्स हमने रन करना है नाउ माइनस टू इज हेयर ओके देन माइनस टू से ऊपर जाएंगे अब थ्री स्टेप्स वन टू थ्री ये आ गया क्लियर एंड देन टू स्टेप्स आगे जाएंगे राइट की तरफ दैट इज वन टू तो ये बन गया हमारा सेकेंड पॉइंट स्लोप के अकॉर्डिंग ओके एंड माइनस टू इज वाई इंटरसेप्ट तो इसके अकॉर्डिंग लाइन बन जाएगी ऐसे ये बन गई हमारी लाइन तो जिसको हम अबव एक्स एक्सिस ही रखेंगे यहाँ क्लियर स्टूडेंट्स नाउ सिमिलरली नेक्स्ट लाइन इज टू प्लस टू इज वाई इंटरसेप्ट प्लस टू कहाँ है यहाँ ये हो गया वन ये हो गया टू एंड देन माइनस थ्री अपॉन टू मैंने कहा है जिसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री अपॉन माइनस टू भी लिख सकते हैं ओके तो थ्री स्टेप्स हमने राइज करना है पहले तो यहाँ टू आ गया थ्री स्टेप्स ऊपर की तरफ जाना है वन टू थ्री ये आ गया ओके देन लेफ्ट की तरफ माइनस टू माइनस टू आ गया मीन्स लेफ्ट की तरफ जाना है हमने वन स्टेप देन नेक्स्ट टू स्टेप ये आ गया ओके स्टूडेंट्स मेंस हम हमारे पास एक पॉइंट ये बन गया और एक पॉइंट ये आ गया और आगे अगर माइनस थ्री अपॉइंट टू भी बनाकर देखना है तो ये भी बनाकर देख सकते हैं हम माइनस थ्री आएगा पहले माइनस थ्री का मीनिंग क्या होगा नीचे की तरफ जाना है हमने थ्री स्टेप्स ये आ गया टू वन टू थ्री ये बन गया एंड अब राइट की तरफ हम टू स्टेप्स जाएंगे मीन्स वन टू ये आ गया ओके okay, स्टूडेंट्स ओके okay, स्टूडेंट्स अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सेकेंड लाइन भी बन गई और सेकेंड लाइन भी हमने अबव एक्स एक्सिस ही रखनी है एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मॉडल फंक्शन का ग्राफ हमने इज़ीली कैसे बनाना है थैंक्स फॉर वॉचिंग खुश रहिए पॉजिटिव रहिए